नमस्कार, मैं नीति सन। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ट्रेस करके धोखाधड़ी करने वाले कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्विगी जोमैटो के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें कंपनी को करीब 4 लाख का चूना लगा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि स्विगी व जोमैटो के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लगातार इस इलाके में सक्रिय हो रहे हैं, जिसके बाद साइबर पुलिस की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए 2 लोगों को ट्रेस किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फ़ोन व 8 फर्जी सिम भी बरामद की गई हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से स्विगी व जोमैटो के फर्जी आई कार्ड व कुछ डब्बे भी बरामद किए गए हैं। वहीं टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर ही लिया है, साथ ही साइबर पुलिस की टीम ये पता लगाने में लगी है कि राजधानी दिल्ली में इन आरोपियों के तार और कहां कहां जुड़े हैं, क्योंकि स्विगी व जोमैटो के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी लगातार हो रही है। इसी के चलते दोनों कंपनियों को करीब 4 लाख रुपये का चूना इन आरोपियों की वजह से लगा है। फिलहाल साइबर पुलिस की टीम गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।